कंपैरेटिव अवार्ड्स का वक्त खत्म हो चुका हुआ है और अब हम प्रोग्राम के एंड के अंदर कुछ खास स्पेशल अवार्ड्स देना चाहते हैं। ये स्पेशल अवार्ड्स हमने जानबूझ के कंपैरेटिव प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाए, बिकॉज दीज अवार्ड्स आर फॉर दोज प्रोग्राम्स व्हिच हैव बिकम वे टू बिग फॉर देम टू कम्पीट विद एनीवन। ये प्रोग्राम पिछले कुछ सालों से ARY के जरिए बहुत से पाकिस्तानियों को महजूज बदस्तूर किए जा रहे हैं। दे हैव सेट इंडस्ट्रीज न्यू स्टैंडर्ड्स, हेंस वी आर हियर टू एक्नॉलेज देयर अचीवमेंट फॉर बीइंग द वन एंड ओनली। गेम शोज हो, मॉर्निंग ट्रांसमिशन या फिर कुछ आइकॉनिक ड्रामास, हमने इनके लिए कुछ खास अवार्ड रखा हुआ है। और सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे एक ऐसे ड्रामे के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को जिसने पाकिस्तान की टेलीविजन हिस्ट्री को तकरीबन बदल के ही रख दिया। साल 2020 के अंदर ये ड्रामा हमारे साथ था और इस ड्रामे के साथ पूरा पाकिस्तान था, चाहे वो अप्रिसिएशन थी, चाहे वो क्रिटिसिज्म था, चाहे वो एनालिसिस था। इस ड्रामे ने वो सब कुछ देखा, लेकिन जो कामयाबी इस ड्रामे ने देखी वो इससे पहले हमने आज तक पाकिस्तान की टेलीविजन हिस्ट्री में रिसेंटली नहीं देखी थी। लोग कहते हैं कि जुड़े आसमानों पे बनते, मैं नहीं मानता। लोग खुद से बेवकूफी करते हैं और केस ऊपर वाले पे डाल देते हैं। मैं इनसिक्योर नहीं हूं, मगर मैं नहीं चाहता कि एक अरबपति के सामने मेरी बीवी निवाले की तरह पेश हो। अनुषा की कमर में हाथ डाल के नाच नहीं रहे थे? अनुषा मेरी बहनों की तरह। तो वो क्या मेरा बॉयफ्रेंड था? स्टॉप इट। और इनको स्पेशल अवार्ड देने के लिए हम इस वक्त खास तौर पर दावा देना चाहेंगे सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन से इस ड्रामे के डायरेक्टर जनाब नदीम बेग और प्रोड्यूसर एंड एक्टर सुपरस्टार हुमायूं सईद। अस्सलाम वालेकुम, और आइए आइए, घबराए नहीं, मुबारक हो आप लोगों को। खैर मुबारक। पहले तो आपको इस तरह मैंने अभी शुरू में बताया कि कंपैरेटिव अवार्ड्स के अंदर हमने नहीं रखा मेरे पास तुम हो को, क्योंकि ये स्पेशल अवार्ड्स के अंदर हम सोचा कि अब इनका तो मुकाबला बनता नहीं है बाकी मासूम ड्रामों से, तो हमने आप लोगों को अलग ही कर दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा कर दिया है ना। और वैसे कैसा लगा? मेरे ख्याल से ये पहला अवार्ड है जो मेरे पास तुम हो के लिए आपको मिला है। नहीं, हमें ये तीसरा अवार्ड मिला, एक लक्स अवार्ड मिला बेस्ट प्ले। अच्छा, मिल गया था। और इसके अलावा पा अवार्ड्स मिला। अच्छा अच्छा, आईपा अवार्ड मिले। ठीक है, ये आपके जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लगा था। जख्मों में नमक क्यों मिला? नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। बेग साहब, आप बताएं कि ये ऑब्वियसली बात है वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेज पाकिस्तान की हिस्ट्री का, इसकी प्रेप के लिए वर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट कि जी आई एम अबाउट टू डायरेक्ट दिस प्ले, इसकी प्रेप के लिए आपने किस तरह अपने आप को रेडी किया? आई थिंक वो एक जो एक यूजुअल प्रोसेस होता है उसी तरह प्रेप किया था। वी डिडंट थिंक कि इट्स गोइंग टू बी सच अ ह्यूज सक्सेस, सो वी वर जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट विद द स्क्रिप्ट एंड ट्राइंग टू मेक इट एज गुड एज पॉसिबल। वैसे मुझे एक बात बताएं, आपके इस ड्रामे को बहुत मेरे ख्याल से इतना अप्रिसिएशन भी किसी ड्रामे को नहीं मिली, ना इतना क्रिटिसिज्म रिसेंट टाइम्स में किसी ड्रामे के ऊपर हुआ है। डिड यू एवर थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट कि ये इतना ज़्यादा हिट क्यों हो गया? व्हाट वाज दैट वन थिंग जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा शोहरत की बुलंदी पर पहुँचा है? इट्स डिफिकल्ट टू टेल कि वाई इट वॉज अ हिट। It's Humayun's performance or the story or Khaleel Saab's script. I think kahani mein normally hero ko hamesha zalim dikhaya jata hai aur ladki ko mazloom dikhaya jata hai. So it was the other way around. It was a man's story. And the fact कि वो एक आदमी भी मजलूम हो सकता है, मजलूम हो सकता है। और अदनान सिद्दीकी के साथ आप दोनों ने बड़े अरसे बाद काम किया। हाँ जी, मेरे ख्याल से मैंने कोई 10 साल बाद काम किया। अच्छा, ये अभी जो इन्होंने बात की कि आदमी मजलूम हो सकता है, मे बी शायद ये वजह रही कि ड्रामा इतना ज़्यादा आउटस्टैंड कर गया बाकी ड्रामा। मेरे ख्याल से जो स्टोरी थी, ये कहानी थी, इसके अंदर इतना पोटेंशियल था। जब भी कभी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अच्छे तरीके से बने, जैसे इश्क ममनू था जी, वो जब अच्छा बना हुआ था और अच्छी एक्टिंग हुई, अच्छी डायरेक्शन थी, अच्छा लिखा हुआ था, तो वो भी दुनिया में बहुत कामयाब हुआ। ये पाकिस्तानी इश्क ममनू तो मैं समझता हूँ। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि अब आपकी तमाम एग्जांपल्स भी टर्किश होती हैं। तो वैसे दूसरी चीज़ ये कि आपने सिर्फ मुझे याद पड़ता है, ये बज रही है, एक मिनट। ARY पे एक ड्रामा आपका चला था काफिर, उसके अंदर आप बहुत एक नेगेटिव और विलन टाइप का आपने रोल किया था। वो ड्रामा इतना नहीं चला था, मगर जिस तरह इन्होंने कहा कि इसके अंदर एक मजलूम हीरो का रोल था,
तो ये आप इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर गए? मैं मजलूम हूँ, ये मुझे प्रैक्टिस है। अच्छा, ये लोगों को क्यों नहीं पता चला आज से पहले? कैसे नहीं पता चला, तुम्हें भी पता है। मुझे देखे, मेरा ताल्लुक टीवी ऑडियंस और है, मगर जो आपने और आपका जो रोना था वो बड़ा मशहूर हुआ है। क्या आप कसमसाए हैं अपने या जज्बात के अंदर, और जो तड़प तड़प के आपकी आंखों से एक्टिंग निकली है इसमें? कोई खास प्रैक्टिस करता है, करते रहे शीशे के सामने? मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता। तो अच्छा, ये पहले से ही चल रहा है, हमने पहली बार देखा। मुझे रोना आ जाता है वैसे भी। अच्छा, बेग साहब, खलील साहब की स्क्रिप्ट में वो क्या बात है कि हमेशा आप ही उनकी स्क्रिप्ट डायरेक्ट करना चाहते हैं? लोग भी करना चाहते होंगे, खलील साहब ज्यादातर तो आप ही कहते हैं, ज्यादातर आप ही। वो ये है कि हमारी एक टीम अच्छी बनी हुई है, शायद हुमायूं, मायसेल्फ एंड खलील साहब। और खलील साहब जैसे खुद कहते हैं कि हम खलील साहब को ज़रा ज़्यादा बेहतर एग्जीक्यूट करते हैं उनके स्क्रिप्ट को, और जो उन्होंने लिखा होता है उसको। सो दैट्स दी ओनली। खास कोई अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपकी बारी आती है इससे पहले प्यारे अफजल बड़ा आइकॉनिक था, खलील साहब ने लिखा और आपने डायरेक्ट किया था, और इस बार ये आपने उनके साथ ड्रामा किया, बीच में फिल्म भी आपने उनके साथ की, तो ये क्या कोई आप खास दिल से लिखते हैं आप लोगों के लिए? खलील साहब से स्क्रिप्ट लिखवाने पे, उससे निकलवाने पे जो मेहनत होती है ना, वो सब नहीं कर सकते। अच्छा, तो यानी कि ये वो एक मुझसे पूछेंगे उसका क्या तरीका है, क्या नहीं, नहीं वो हमें पता, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको पता होगा। मगर ये वो बेसिकली तकलीफ है जिससे आप दोनों गुजरते हैं स्क्रिप्ट निकलवाने में, जिसका आपको ये मैं कहूंगा कि अजर मिलता है। अच्छी चीज निकलवाने के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, या फिर हमारी किस्मत ही ऐसी है कि जिस राइटर के साथ भी हम काम करते हैं, चाहे वो आप हो या खलील साहब हो, हमें उसी तकलीफ से गुजरना पड़ता है स्क्रिप्ट निकलवाने के लिए। अच्छा, ये वैसे बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि देखें, वो जितनी तकलीफ होगी, यू नो, ग्रेटनेस डजंट कम इजीली, ये एक बड़ी मशहूर कहावत है, एंड व्हाट कम्स इजी गोज अवे इजीली एज वेल। तो आप कुछ कह रहे थे इस बात पे? जी सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू।